नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। स्वागत है आपका हमारे खास शो पब्लिक सब जानती है में। चुनाव के दौरान कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी में गुंडों की तरजीह मिलने का आरोप लगाने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा ही दे दिया है। उन्होंने गुरुवार रात को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। शुक्रवार सुबह ही उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस प्रवक्ता हटा दिया था। इससे पहले उन्होंने अपनी प्रोफाइल में राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस जोड़ा हुआ था, जो शुक्रवार को नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी आज भी शिवसेना में शामिल भी हो गई है। वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गई। साथ ही प्रियंका ने 17 अप्रैल को ट्वीट करते हुए अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। तब से उनका कोई बयान सामने हालांकि नहीं आया है, ना ही वो कभी टीवी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष रखती नजर आई है। ऐसे में हमने अपने आज के सर्वे में जनता से ये सवाल पूछा है, क्या प्रियंका का इस्तीफा कांग्रेस नेतृत्व की विफलता है, नाकामी है, या फिर प्रियंका ने बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, तिल का ताड़ बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सर्वे और जानते हैं जनता की राय क्या है प्रियंका के इस्तीफे को लेकर। देखो, जहाँ इस तरह का जिम्मेदार पद पे से कोई व्यक्ति अगर इस्तीफा दे रहा है और आरोप लगा रहा है, तो पूरी तरह यह कांग्रेस की पार्टी की पूरी तरह विफलता है, नेतृत्व की विफलता है। बहुत ही शानदार किस्म की जो है प्रवक्ता थी, मैंने बहुत बार उन्हें सुना है। बहुत ही स्पष्ट तरीके से वो व्याख्यान करती थी अपनी बातों का, और बीच में तो गौरव है कि उन प्रवक्ता उनके साथ काफ़ी लड़ी भी थी वो कांग्रेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं दुखद है और कांग्रेस के लिए एक बड़ी घटना है। उनका शिवसेना में जाना जो है कांग्रेस की विफलता से जोड़ा जाए, ये कांग्रेस की विफलता है। और कांग्रेस की ये कल्चर है कि महिलाओं के साथ वहाँ हमेशा उनका अपमान होता है, ये कांग्रेस की विफलता है। इसीलिए कांग्रेस आज तक जो अच्छे नेता हैं उन्हें तरजीह ना दे के इसीलिए कांग्रेस पीछे चली गई। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं की मानसिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, और लगातार आए दिन देखने में आता है कि वो बजाय अपनी पार्टी की उपलब्धियों को बताने की विपक्ष के नेताओं के ऊपर हमेशा उंगली उठाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक वो है कि वो महिलाओं का अपमान बराबर करते रहे हैं, और उन्होंने उनको जो है इस्तीफा दिया उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी ने, तो कांग्रेस की रणनीति के खिलाफ हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी जो थी कांग्रेस की बहुत ही अच्छी प्रवक्ता थी, उनसे अच्छा कोई बोल नहीं पाता था कांग्रेस के अंदर, और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो प्रियंका के इस्तीफे के बाद दो ही सवाल हमने खड़े किए जो कि पब्लिक से पूछे हैं। पब्लिक की राय जानी गई है, क्या ये नेतृत्व का फेल्योर है, विफलता है, या फिर नहीं। शुरुआती तौर पर दोनों तरह की राय लोगों की निकलकर सामने आई है। प्रियंका के चले जाने को कुछ लोगों का मानना है वाकई नेतृत्व की विफलता एक है, नाकामी एक है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें नेतृत्व की विफलता जैसा कुछ नहीं है। तो करीब 10 साल तक प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस के साथ जुड़ी रही, और कुछ पार्टी के ही लोगों पर उनकी ओर से अभद्रता किए जाने के, बदसलूकी किए जाने के आरोप लगाए गए थे। शुरुआती तौर पर पार्टी ने उन पर एक्शन भी लिया, लेकिन कुछ समय बाद उनको वापस पार्टी में बुला लिया गया, जिससे आहत होकर प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से ट्वीट भी किया गया था। बताया भी गया था कि आहत हुई है, उनके साथ अभद्रता की गई है, और इसी मामले को लेकर उनकी ओर से इस्तीफा भी दे दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी ओर से लिखा गया इस्तीफा दिया गया। इसके अलावा अपने ट्विटर हैंडल से उनकी ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस जो लिखा गया था अपने नाम के सामने, उसे भी हटा लिया गया। इसके बाद सवाल ये उठता है कि वाकई महिलाओं का अपमान किया जाता है कांग्रेस पार्टी में, क्या वाकई इसे कांग्रेस के जो लीडरशिप है, कांग्रेस की जो नेतृत्व है, उसके विफलता के तौर पर इसे देखा जाए या फिर नहीं। उसी को लेकर हमने पब्लिक सब जानती है में आज का सर्वे किया है, लोगों से राय ली गई है इसी मुद्दे को लेकर, प्रियंका के इस्तीफे को लेकर। क्या जो आरोप लगाए गए हैं उनमें दम है, या फिर आरोपों को जनता बहुत गंभीरता के साथ या सच्चाई के साथ नहीं देखती है, इन्हीं बातों का जवाब लिया गया है पब्लिक सब जानती है में। कुछ लोगों को पहले आपने सुना, बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा है, चले सुनवा। सर देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी एक बहुत अच्छी प्रवक्ता थी, बहुत ही अच्छी जानी मानी, और जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ समझता हूँ कि उनका पार्टी से निकलना ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं होगा, बट अगर वो पार्टी में रहकर और अच्छा, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता हमें। कांग्रेस का जो असली चरित्र है वो जनता के सामने आया है। वास्तव में महिलाओं का सम्मान करना कांग्रेस के कभी चरित्र में नहीं रहा। आप देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जैसा एक कुशल प्रखर प्रवक्ता जो कि कांग्रेस के साथ इस समय से जुड़ा रहा हो, एक ऐसी महिला
वैसे ही वहाँ पे 160 महिलाओं की कमी है और उसने इतने संगीन आरोप लगा के छोड़ा। नहीं नहीं, असलियत में क्या है कि कांग्रेस पार्टी से उनके नेता लोग भी जो हैं उनको एक्चुअली उनका भूत भविष्य और वर्तमान पता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने जो आज कहा है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो लॉजिक है, इस पर उन्होंने खुल के बोला है फ़र्क इतना है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के सारे नेता जो कद्दावर नेता हैं को आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आ जाए। सर, ये एक सीनियर लीडर पार्टी छोड़ के जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक दुखद खबर है, क्योंकि जिस लीडर ने अपना समय इतना समय कांग्रेस पार्टी को दिया और वो लीडर अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा है तो इससे पार्टी कमज़ोर पड़ती है, पार्टी का आत्मविश्वास गिरता है, तो ये तो एक दुखद खबर है। पार्टी प्रियंका चतुर्वेदी हैं, वो कांग्रेस के जो साथ थी उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस की नैया डूबती जा रही है। कांग्रेस जो है अब मोदी के विपक्ष में जो सभी लोग हैं ना वो खड़े हो जाओ, लेकिन फिर भी मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आज प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर महिला की कोई इज्जत नहीं होती। जैसे आदमी खान ने महिला के बारे में बोला, कांग्रेस ने उसका कोई भी तो सुनने करा नहीं, उससे कुछ कहा। देखो, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में ऐसे किसी प्रवक्ता का इस्तीफा देना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस पार्टी का अपने बीच में ही आपसी मेल जोल नहीं है और वो पार्टी जनता में क्या मेल जोल बनाएगी, और ऐसे टाइम में उनके अपने ही बंदे जो इतने अच्छे लेवल पर बैठे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, ये पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो पब्लिक सब जानती है, भी प्रियंका चतुर्वेदी के इस्तीफे को लेकर हम सवाल कर रखे हैं। दरअसल पूरी कहानी ये है कि मथुरा में पिछले दिनों प्रियंका चतुर्वेदी गई थी, राफेल के मसले को लेकर प्रेस वार्ता उनकी ओर से बुलाई गई थी। इस दौरान कथित तौर पर जो कि आरोप है उनके की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की है, अभद्रता बरती गई है, जिसके बाद हालांकि कांग्रेस की ओर से एक्शन भी लिया गया। लेकिन यूपी कांग्रेस की ओर से खेद प्रकट किए जाने पर, जो कि यूपी कांग्रेस का स्टैंड है, उन कार्यकर्ताओं को वापस ले लिया गया, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया, उनको माफ कर दिया गया। जिसके बाद प्रियंका की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा गया और इस्तीफा उनको सौंपा गया। कहा गया कि भारी मन के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लगातार करीब 10 साल तक जिस पार्टी को समय दिया, जिस पार्टी के लिए समर्पित रखी, उसमें उतना सम्मान नहीं मिला, उनका कोई मूल्य नहीं है। और पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उनसे साफ हो गया कि उनकी जो निष्ठा है पार्टी के प्रति, वैसा उनका कोई मूल्य नहीं है। जितने समय तक पार्टी से जुड़ी रहूंगी उतना अपने आत्म सम्मान की से समझौता करके रहना होगा, तो इसके चलते मैं इस्तीफा ही देती हूँ। साथ ही जो पार्टी बातें करती है, महिलाओं के सम्मान की बातें करती है, महिलाओं को मजबूत किए जाने की बात करती है, महिलाओं को सशक्त किए जाने की बातें करती है, वैसा पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं में उनके व्यवहार में झलका नहीं है, नजर नहीं आया है। तो उसके बाद सवाल ये उठते हैं कि बाकी जो आरोप लगाए गए हैं प्रियंका की ओर से कि पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, केवल बातें महिलाओं को लेकर की जाती हैं, क्या वाकई वैसा कुछ है? और इसी मूल सवाल के साथ हमने जनता से सवाल ये पूछा, क्या तिल का ताड़ प्रियंका बना रही है या वाकई जो आरोप लगाए गए हैं वैसा कुछ है? हालांकि उनकी ओर से शिवसेना ज्वाइन कर ली गई है, शिवसेना का दामन थाम लिया गया है, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया कि मूलतः मैं मुंबई से हूँ, एक बार फिर से मुंबई की तरफ लौटी तो ये संगठन सबसे अच्छा विकल्प मुझे लगा, यानी कि शिवसेना सबसे अच्छी लगी। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठते हैं कि वाकई जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उसका किसी तरह का फेलियर इसे माना जाए, विफलता या नाकामी इसे माना जाए, या फिर प्रियंका की ओर से जो कहा गया, जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद है, ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नकेक है। तो सवाल ये पूछे गए, दोनों की तरह की राय, दोनों की तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के इस मामले पर, इस विषय पर निकलकर सामने आ रखी है। कुछ लोगों का मानना है कि वाकई प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से करीब 10 साल पार्टी को दिए गए और बहुत अच्छी प्रवक्ता भी हो रखी है, कुछ लोगों को जो कि लगता है और पार्टी का पक्ष लगातार रखती रही, जो हुआ वो गलत हुआ कि जिन कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ, उन पर एक्शन नहीं लिया गया और उसके बाद जो एक्शन लिया गया उसे निरस्त कर दिया गया, यानी कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई उसे निरस्त कर दिया गया। जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था उनको पार्टी में वापस ले लिया गया। तो उसके बाद प्रियंका आहत हुई है, प्रियंका के अनुसार ही, और प्रियंका की ओर से इस्तीफा दिया गया। अपने ट्विटर हैंडल पर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस लिखा गया था उसे हटाया गया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को इस्तीफा सौंपा गया। उसके बाद सवाल दो ही उठते हैं, क्या वाकई कांग्रेस में महिलाओं का अपमान होता है या हुआ है? इसके अलावा क्या कांग्रेस की हाईकमान की विफलता के तौर पर इसे देखा जाए? तो बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा है आइए वो भी सुनते हैं।
बतंगड़ बनाया जा रहा है और ये राजनीति में गिरावट की बात है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही कई चरणों में चुनाव चल रहे हैं तो कई चरणों में नेता भी पार्टी बदल रहे हैं, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। अब सियासत में कोई आस्था मुझे नहीं लगता कोई रह गई हो, जहाँ से आदमी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसी पार्टी को ज्वाइन करने की तरफ दौड़ता है। ये जो इस्तीफा दिया गया है, आज 5 साल 10 साल से उन्होंने पार्टी के लिए सेवा किया, काम किया, आज तक कोई शिकायत नहीं आई, और आज जब वर्तमान स्थिति में चुनाव चल रहा है तो वो कह रही हैं कि हमको लोग गाली दे रहे हैं, मार रहे, पीट रहे हैं, ये सरासर झूठ है। बस उनकी मर्जी है जो उनके आरोप हैं, लेकिन वो सब निराधार हैं, ठीक है ना। इस समय कांग्रेस ग्राफ थोड़ा कम है, इसलिए जो है और किसी पार्टी में जाना चाहती होंगी वो, जैसे भाजपा हुआ और कोई पार्टी हुई उसमें जाना चाहती, महागठबंधन जाना चाहती होंगी वो, और कोई बात नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, इस तरह का कोई आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रही है तो मैं समझती हूँ यह निराधार है, और पार्टी की इस तरह से निंदा करना उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। जो आरोप प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कांग्रेस पार्टी को लगाए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये अभी मुझे मालूम भी पड़ा था कि वहाँ कुछ सभा के दौरान कुछ हुआ था, कुछ घटना हुई थी, उससे दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो ये एकदम इतना बड़ा कदम उनको नहीं उठाना चाहिए। कुछ भी सोच समझ के, अभी चुनाव का महाकुंभ है, लोकसभा चुनाव भी है, उन्हें देखने के बाद ही कुछ इस्तीफा वगैरह देना चाहिए, या इस चीज़ की कुछ शिकायत भी करती मुखिया से, हमारे कांग्रेस के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, उनसे घटना की बात कहती, कुछ जाँच वाँच होती तो इस पर कुछ कड़ा, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उन्हें कुछ सोचना चाहिए था, ये गलत बात है। तो कुछ लोगों को लगता है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, यानी कि इस्तीफा दिए जाने से पहले सोचा जाना चाहिए था, ये गलत कदम का जो कि लगता है। कुछ को लगता है कि वाकई महिलाओं का सम्मान किए जाने की जरूरत है, जब पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उनको आगे बढ़ाने की बात करती है, उनके सशक्तिकरण को लेकर आवाज उठाती है, तो पार्टी के अंदर ही अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता की ही इज्जत नहीं की जाती है, उनको ही सम्मान नहीं मिलता है, तो बाकी महिलाओं के लिए पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो बड़ी बात ये थी जो आरोप जो कि लगते नजर आए हैं, क्या इसे हाईकमान के फेलियर के तौर पर देखा जाए, क्योंकि चुनाव देश में है, दो चरणों के लिए लोकसभा के चुनाव हो भी चुके हैं और बाकी भी अभी होने हैं, 23 मई को परिणाम भी आने हैं, जहां पार्टियों से नेताओं के छोड़ के जाने का सिलसिला जारी है, बाकी पार्टियां ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है। उसी कड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी का इस्तीफा किया जाना किस तरह का फैसला है, जनता कैसे देखती है, जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें जनता कैसे देखती है, कैसे समझती है, क्या पार्टी की राष्ट्रीय जो हाईकमान है क्या उसकी विफलता इसे माना जाए, क्या वाकई महिलाओं का सम्मान ना किए जाने जैसा कुछ है पार्टी के अंदर, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर आरोप लगे हैं, कांग्रेस की ही राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ बदसलूकी किए जाने के, पार्टी एक्शन लेती है लेकिन यूपी कांग्रेस उसके बाद एक्शन को वापस ले लेती है, यानी कि अनुशासनात्मक जो कार्रवाई की जाती है उसे निरस्त कर दिया जाता है, और आरोपी कार्यकर्ता जो कि बदसलूकी आरोपी के आरोपी रखे उनको वापस पार्टी में बुला लिया जाता है खेद प्रकट किए जाने के बाद, यानी कि माफी मांगे जाने के बाद। उसके बाद प्रियंका हालांकि इस्तीफा कर देती है, उनके इस्तीफे को पब्लिक कैसे देखती है, क्या पार्टी हाईकमान के फेलियर के तौर पर पब्लिक इसे समझती है, चुनाव से जस्ट पहले जबकि दो चरण के चुनाव हो भी चुके हैं, वोट किया जा चुका है, या फिर बात का बतंगड़ तिल का तार बना रखी है प्रियंका। वाकई पब्लिक सब जानती है, और पब्लिक से खबरें अब तक ने आज ये जानने का प्रयास किया है कि प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया गया है अपने पद, यानी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से जो इस्तीफा दिया गया है उसे पब्लिक कैसे देखती है, जो प्रियंका की ओर से आरोप लगाए गए हैं उनको पब्लिक कैसे देखती है। दो पक्ष, दो पहलू लेकर हम चल रहे हैं, एक वो जो कि प्रियंका कहती है, जो कि प्रियंका का पक्ष है कि महिलाओं का सम्मान किए जाने की बातें तो होती है लेकिन कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनके व्यवहार भी नजर नहीं आता, यानी कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। दरअसल पूरी कहानी जो रही एक बार फिर से आपको बता दें, राफेल के मुद्दे को लेकर चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से लेकर हर एक नेता पीएम को घेरने में जुटा है, बीजेपी यानी कि सरकार को घेरने में जुटा है, ऐसे में मथुरा पहुंची थी प्रियंका चतुर्वेदी, उनकी ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, अपनी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर उनकी ओर से आरोप लगाए गए कि उनके साथ अभद्रता की गई, बदसलूकी की गई और इसकी शिकायत भी की गई। उसके बाद यूपी कांग्रेस की ओर से उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। उसके बाद उसी कार्रवाई को, यानी कि बाहर निकाले जाने की कार्रवाई को निरस्त किया जाता है, वापस कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन करवा दी जाती है, पार्टी में बुला लिया जाता है, जिससे आहत होकर प्रियंका की ओर से इस्तीफा दिया गया। अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो लिखा गया था उसे हटा दिया गया। उसके बाद शिवसेना में भी वो जा चुकी है, लेकिन जो सवाल बचता है या फिर कह लें कि जो सवाल उठता है, क्या वाकई महिलाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी के भीतर किया जाता है या फिर
जो आरोप लगाए गए थे वो किसी बात को लेकर तिल को तार बनाया गया है, बात को बतंगड़ बनाया गया है, क्योंकि खेद प्रकट किया जा चुका है उन लोगों की ओर से जिन्होंने कथित तौर पर बदसलूकी की थी प्रियंका चतुर्वेदी के साथ। तो इन्हीं सवालों का जवाब लेने की हमने कोशिश की है, पब्लिक सब जानती है। मैं चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ये कहें कि आहत हैं और जितना काम किया लगता रखे कि पार्टी में उसका कोई मूल्य बचा है, अगर पार्टी से जुड़ी रही, संगठन से जुड़ी रही, तो आत्मसम्मान के साथ ये समझौता होगा और उसके बाद इस्तीफा वो दे देते हैं। क्या वाकई देश की सबसे पुरानी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, जो कि पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही प्रियंका के ही आरोप है? क्या वाकई जो महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है, महिलाओं के सम्मान की बातें की जाती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने, महिलाओं को मजबूत किए जाने की बातें की जाती है, वो महज बातें हैं? इन सवालों के साथ हम पब्लिक के बीच में गए हैं और पब्लिक ने क्या कुछ कहा था वो ब्रेक से पहले भी आपने सुना, बाकी लोग क्या बोलते हैं इसी मुद्दे पर प्रियंका के पक्ष पर, आइए सुनवाते हैं। इस बारे में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि प्रियंका चतुर्वेदी जी ने जो ज्वाइन किया है, कांग्रेस से गई हैं, बहुत बड़ी गलती की हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी जी वहाँ पे कोई उनको इज्जत सम्मान नहीं मिलेगी, जो उन्हें इज्जत सम्मान कांग्रेस में मिली है उसमें उनको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, वो जा करके आगे उनको फिर से ही कांग्रेस में आना पड़ेगा। देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ में यदि कोई अभद्रता या ऐसा कोई गलत व्यवहार हुआ भी था तो उन्हें इसकी जानकारी जो है पार्टी फोरम के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी के समक्ष रखनी चाहिए थी। यदि ऐसा कोई मुद्दा होता है तो उसको पार्टी के भीतर सुलझा लिया जाना चाहिए था। पार्टी ने श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी को बहुत उच्च पद से नवाजा, उनको बहुत इज्जत दी और मेरा मानना है कि उन्हें इस बात को पार्टी फोरम पर, पार्टी के भीतर सही प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए था तो ज़्यादा उचित होता। मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी को पहले तो कभी कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि उनके पापा कांग्रेसी थे और उनके वजह से उनकी पहचान थी और उसके बाद उनको इतना बड़ा पद मिला जो कि कांग्रेस के वक्ता रही हैं वो, और कांग्रेस की वक्ता रहते हुए उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ी है उसके लिए मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उन्होंने जो कांग्रेस परिवार को छोड़ा है, अपने एक परिवार को छोड़ा है, और आने वाले वक्त में इस परिवार के लिए वो पछताएंगी और दोबारा कांग्रेस ज्वाइन करेंगी कुछ समय बाद। प्रियंका चतुर्वेदी के ये बात बिल्कुल निराधार है। ये तो एकमात्र उनका पार्टी से इस्तीफा देने का बहाना है, जबकि जो अंदर की जो बात है वो पार्टी की हार है, होने वाली है। इस वजह से पार्टी की हार से बचने के लिए वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रियंका जी उर्मिला मातोंडकर की जगह लोकसभा के टिकट के लिए अपनी हिस्सेदारी चाह रही थी, जिसको लेकर वो कुछ दिनों से पार्टी से नाराज कर रही थी। वो इसका जो मुख्य रीज़न इसका यही है कि उन्होंने जो पार्टी से इस्तीफा दिया है उसका कि उसको टिकट ना मिलने का मुख्य रीज़न से डिसिप्लिन रहा, सभ्यता वही पार्टी है। और आज उन्होंने ये बोला चतुर्वेदी जी ने, क्या उनकी मंशा है ये तो उन्हीं को पता होगा, बट चुनावी मौसम अब चल रहा है, चुनाव में कुछ लोग आते भी और कुछ लोग जाते भी अपने स्वार्थ के लिए। अब किसी ना किसी के बहाने जाना और ये पार्टी को बदनाम करना उनको शोभा नहीं देता है। तो दोनों के पक्ष आपने सुने, जिसमें एक में कहा गया कि बिना बात के केवल बहाने के लिए आरोप लगाए गए हैं, आरोपों में कोई दब नहीं है, तमाम आरोपों को खारिज करती नजर आई है पब्लिक। इसके अलावा ये भी कहा गया वाकई करीब 10 साल तक प्रियंका कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी रही, ये पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी जरूरी था सुनिश्चित करना कि उनको पूरा सम्मान मिले, ये कार्यकर्ताओं के लिए भी जरूरी था कि पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता और इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता का सम्मान किया जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है क्योंकि कांग्रेस हारने वाली थी, कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए उन्हें पार्टी बदलनी ही थी और शिवसेना के साथ जाना ही था, ये केवल एक बहाना ढूंढा गया बदसलूकी किए जाने का, अपमान किए जाने का और उनको परेशान किए जाने का। लेकिन आज के सर्वे क्या कुछ कहता है, क्या आंकड़े कहते हैं, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो कांग्रेस की विफलता या प्रियंका की गलती,
तो 44% लोगों को लगता है प्रियंका की गलती है, कांग्रेस हाईकमान की गलती मानने वाले लोग हैं 56%, यानी कि ज्यादा जो आंकड़ा है वो कांग्रेस की गलती मानने वाले लोगों का है, बड़ा नंबर। तो सवाल यही था, कांग्रेस का फेल्योर है या फिर प्रियंका चतुर्वेदी की गलती है? उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये बात कहनी चाहिए थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकायत करनी चाहिए थी, उसके बाद भी बातचीत की जानी चाहिए थी। तो कांग्रेस की गलती मानने वाले लोग ज्यादा थे, कांग्रेस हाईकमान को गलत ठहराने वाले लोग इस पूरे के मामले में ज्यादा थे, 56% हैं जो कि मानते हैं कांग्रेस हाईकमान की नाकामी है, 44% लोग मानते हैं कि प्रियंका इस पूरे एपिसोड में गलत रही। इस तरह से इस्तीफा दिया जाना, दूसरी पार्टी का दामन थाम लेना, ये गलत है और वो तिल का ताट बना रखे हैं, ये 44% लोगों को लगता है। तो लोकसभा चुनाव के अलग अलग पार्टियों से नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। इसी कवायद में प्रियंका चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही, उनकी ओर से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया गया। अपने ट्विटर हैंडल से उनकी ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता जो लिखा गया था अपने नाम के सामने उसे भी हटा लिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी को लिखा गया वाहत है और फिर उनका कोई मूल्य नहीं लगता उनको की पार्टी में है और जितना समय तक वो पार्टी के साथ जुड़ी रखेंगे उनको अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता किए जाने जैसा ये लगने वाला है। तो कुछ कार्यकर्ताओं में उनको महिलाओं के सम्मान किया जाना, महिला सशक्तिकरण की बातें किया जाना और महिलाओं को मजबूत किए जाने की जो बातें थी उनके व्यवहार में नजर नहीं आई जो कि उनकी ओर से लिखा गया। तो क्या कुछ पब्लिक सब जानती है मैं आज के मुद्दे पर सर्वे कहता है वो आपको दिखाया ग्राफिक्स के जरिए। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए खबरें। Thank you, sir.